हाँ सरकार कोई सी भी आओ, ठीक है नहीं, ये कहते हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही मोदी की, उसकी नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, और मेरी भी नहीं हो रही, और जो अंदर भाषण दे रहा है उसकी भी नहीं हो रही। गवर्नमेंट बनो, कैसी बनो, शादी करवा दो, शादी करवा दो यार, हाँ सबसे बड़ी बात यही है। हाँ बीजेपी शादी करवाएगी क्या आपकी? कौन शादी करवाएगी? बीजेपी वालों की खुद नहीं हो रही यार, मेरी कहाँ से कराएंगे वे? सरकार योगी आनी है, चाहे वैसा हो या लठबरंगों से आओ, सरकार बीजेपी की आनी है। मतलब दबंगा ही चाहिए इस बार? हाँ दबंगा होगी, हमें बीजेपी लानी है, सरकार बीजेपी आनी 2022 में। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में कुछ नहीं करना, अपना घर में बैठो। आज इतना हुआ है कि यह टोंटी करीब 2 साल पहले लगी थी, अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया। बिजली का बिल जो उसका टंकी का 35,000 रुपये महीना आवे है। योगी आ गया 100%, गवर्नमेंट इन्हीं की बनेगी, चाहे हथकंडे से बने चाहे प्यार से बने। और सरकार तो बीजेपी की आनी है, क्योंकि उसने जो काम करे हैं उन हर आदमी देख नहीं पा रहा, ना समझ पा रहा। ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने? क्यों नहीं करा? आप दिखाइए, क्या दिखाइए, बताइए। मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहला काम जो हिंदुत्व की भावना बीजेपी में है और किसी पार्टी में नहीं है, हर आदमी मुसलमानों को सपोर्ट करता, और ये बीजेपी ही ऐसी है जिसमें हिंदुत्व बचा है, जिसके कारण हिंदू जी रहा है। नहीं तो उलेमा का देखो क्या क्या बयान दे रहा है, सब मुसलमान एक हो जाओ, सब हो जाओ। अरे हिंदुओं कम से कम ये तो देख लो कि हिंदुत्व बचा है तो बीजेपी सरकार में है, बस और किसी में नहीं है। सालों में ही केवल हिंदुत्व बचा, उससे पहले हिंदुत्व नहीं था। उससे पहले सुनिए, उससे पहले हमारी जो लड़कियां थी स्कूल में सही तरीके से नहीं जा सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था इस देश में, जितना भी ऑर्डर सब फेल था। हर आदमी किससे बात करेगा? अनुगले राज्य मंत्री से बात कर, शाहिद मंजूर से बात कर, उससे बात कर, उससे बात कर। वो तो मंत्रियों के गुलाम है, पुलिस प्रशासन सब, जब उन्हीं के फोन आ जाओगे तो कोई क्या करेगा? तो कानून को साइड में रखते हैं, कानून उस टाइम साइड में हो जाता है केवल मंत्रियों के फोन पे, और आज ऐसा नहीं होता। क्या लगता है कितना सीट आएगा बीजेपी का? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आओगी, कोई नहीं काट सकता, जिसे वोट देनी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो अपनी बात ऐलान कर रहे हैं कि 400 के पास सपा। नहीं तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसमें कहाँ थे अखिलेश यादव जी? सारी आजम खान की पावर चल रही थी, बताइए आप। उस टाइम भी तो प्रशासन था, लेकिन प्रशासन फेल था। देखा जाए कि लखनऊ में छात्रों पर लाठी बरसाया जा रही यूपी सरकार द्वारा, नहीं जो गलत काम करेगा उसमें तो बरसाई जाएगी, चाहे छात्र भी हो। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं हमें जॉब दो। नहीं जॉब तो देना पड़ेगा, देखिए जो जॉब के लायक है उसे गवर्नमेंट भी नहीं मना करती। कितनी भर्तियां हुई, किसी में कोई रिश्वत गई? जो लायक था उसे जॉब मिल गई। देखा जाए सारे बेरोजगारी पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, भाई जो रोजगार लायक है उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। अब जो हर जगह हर किसान थोड़ी है, हर किसान नहीं है, कोई मजदूर है, कोई फालतू फिर रहा है, वो भी जाके वहाँ पे खड़ा हो गया खाने के लिए। क्या अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करना गैर कानूनी है? देखिए जो अपनी मांग है, जो सही मांग है, उससे गैर कानून नहीं है, लेकिन पहले प्रशासन से बात करी जावे कि भाई हमें यह दिक्कत है, तो उसका समाधान तभी तो होगा। आंदोलन कहाँ का समाधान है? आंदोलन इस देश में, किसी और देश में आंदोलन होता है क्या? सर संविधान देता है कि आप आंदोलन करो, नहीं आपको कोई मांग चाहिए तो आंदोलन, जो मांग चाहिए उसे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो जब वही प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट लखनऊ में, तो उस पर डंडा बरसाने की क्या जरूरत पड़ी भाई? वो तो मैं तो इतना बड़ा स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं तो 8वीं पढ़ा हुआ हूँ, उस टाइम तो कोई आंदोलन था नहीं, ना मुझे उस नौकरी की जरूरत थी। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करती है, लेकिन सम्मान कहीं नहीं दिखाई देता। रोडों पर सभी ने 5 साल में प्रदर्शन किया, चाहे छात्र हो, बैंक कर्मचारी हो, LIC कर्मचारी हो, किसान हो, वकील हो, सभी रोड पे उतर गए। जो रोड पे उतर गए वो किसान ही बने हुए थे, और जो कि किसान नहीं है, हर आदमी किसान थोड़ी है, बताइए आप, हर आदमी किसान थोड़े ना है। बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। आपके क्षेत्र में विकास है? हाँ आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बीजेपी? क्यों नहीं हो रहा है? सड़कें हैं, हाईवे बने हैं, ये किसने बनवाए हैं? कहाँ बने सारे? अभी तो कहाँ, नोएडा जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं मेरठ से, कुल 40 मिनट लगते हैं, कुल 40 मिनट लगते हैं। बीजेपी के कोई 3 अच्छे काम भाई, सबसे पहला प्रशासन सही है, किसी के दबाव में नहीं है, दूसरी बात सड़कें सही होगी, तीसरी बात आप कोई रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो उसमें सुनवाई है। बीजेपी का गुंडा सरकार बता रहे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई इसमें मन ने तो कहीं गुंडागर्दी देखी नहीं, ना मुझे महसूस हुआ आज तक। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तो सरकार का तो पता नहीं किसकी बनेगी, क्यों लू क्या पता लगा किसकी बने? तो मेरा जी कर रहा मैं सब वोट दूंगा, किसी और को वोट देगा, किसी और को वोट देगा। लग रहा होगा किसका आशा कौन आएगा यूपी में? अखिलेश काम अच्छे करते हैं, योगी काम अच्छे करते हैं, मायावती काम ने अच्छा किया है, कुछ सही कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कुछ गलत कर रहे हैं। सो का अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है ना जी भाई, जो है और तो कुछ ना है, बाकी यो गवर्नमेंट तो बड़े जी सके वोट दिया सामने, इसने पर करा कुछ नहीं इसने।
अखिलेश ने हाँ क्या करा तो था उनने, पर उनने एक काम गलत कर दिया और तो कुछ ना। तो क्या गलत काम किया? गलत तो वही था, मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, थोड़ा सा दूसरे संप्रदाय का उनने पक्ष ले लिया, थोड़ा सा उसका भारी पड़ गया, उसने चला गया पिट गया ना। मैं तो लोक दला करूँ जी, वैसे ना करता किसी का नहीं, वोट हम किसी को दे देना जिसका हमारा जिक्र है, हम भाजपा ने भी दे दे, कांग्रेस ने भी दे दे, जो सा आदमी हम बड़े से लगा। आप कहते आप कहते हम नोटा पर दबाओगे, पिछली बार भी हम नोटा पर दबा आए थे। यहाँ से तो शाहिद मंजू लड़ेगा, वो शायद त्यागी रहे, तीन तो रहेंगे, तीन पार्टी हैं, तीन में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि सही है, कि आपका वोट लोटा में जा रहा है। हाँ, हमें लगता कोई बढ़िया, कोई भी काम करने के लायक नहीं है ना, हमें लगता कोई भी। बीजेपी की तो इतनी मट्टी पलीत कर दी पब्लिक की, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी है, राजेंद्र अग्रवाल सुन लो, वोट आपको नहीं मिल रही, बीजेपी को मिल रही है, और अग्रवाल साहब कहने के बाद भी आज तक नहीं आए गाँव में, और जब भी हमें रात को आते हैं, वोट जो दी थी केवल पार्टी को दी थी, इसी वजह से वो जीते, लेकिन गांव में नहीं आए। सर आप तो कमाल है, समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं, नेताजी का नहीं समर्थन कर रहे, केवल बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी के तो है, समझे नहीं, हमने क्या कहा, हमने नेता अच्छा बता रहे हैं, हमारे हाथ को हमने अग्रवाल साहब को वोट नहीं दी, और उनसे भी कह दिया था पिछली बार जब आए थे रात में, मैं अग्रवाल साहब वोट आपको नहीं मिल रही, केवल बीजेपी को वोट मिल रही है, और आप अब एक काम करना, होने के बाद आ जाना, लेकिन इतना टाइम हो गया, आज तक गांव में आके उन्होंने किससे पूछा ही नहीं, आपके हिसाब से 5 सालों में उन्होंने एक भी काम नहीं, सुनिए चाहे उन्होंने कुछ कराया नहीं करा, लेकिन अगर वो बीजेपी से आए तो हमारी वोट बीजेपी को ही डले, आपके इलाके में कुछ भी ना हो, ठीक है, वोट बीजेपी को डले। भैया 15 साल हो गए, 15 साल में ना करा कुछ भी, कुछ ही नहीं करा 15 साल में, 5 साल ना हो राजेंद्र अग्रवाल 15 साल से, सबने दिया, सबने दिया, उन्होंने थोड़ी दिया, सबने दिया उसे वोट, हमारे घर वालों ने भी उसे दिया राजेंद्र अग्रवाल को वोट, कैंडिडेट बीजेपी में नहीं, बीजेपी विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ेगी, विकास के नाम पर बीजेपी के बस की चुनाव लड़ना है नहीं, अगर बीजेपी के बस की चुनाव लड़ना होता तो लाल टोपी और काली टोपी करा नहीं, वो आपने अपना वोट नोटा में दिया था, खुद बताइए कि विकास के नाम पे कौन लड़ सकता है, हमें तो आपके जैन से उम्मीद है, जैन चौधरी से, हाँ, तो अखिलेश के साथ गठबंधन में, हाँ, आप उसको मानते हैं, बिल्कुल क्लियर बताइए ना, हाँ, नोटा में नहीं जाएगा इस बार आपका, ना आपके वोट तो हम नोटा भी देंगे, फिर भी नोटा पे देंगे, यो वाला विधायक जो है वो पार्टीबाजी करवा रहा थोड़ी सी, अच्छा, हमारे हाँ। गांव के एक माई हो जाए, कुछ एक माई हो जाए, एक भाई है बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन बोलते कि काम कुछ नहीं किया, आप बोलते हैं कि ठीक है जैन चौधरी सही है, लेकिन वोट मैं बताऊं, दोनों आदमी सेम है, मैं बताऊं क्यों कह रहे हैं ये कि वोट मैं बीजेपी को दूंगा, काम बड़े नहीं करा, एक दिमाग में बात जो घुस गई कि मुसलमानों का इंतजाम बांध रखा बीजेपी ने, वो मुसलमानों से नफरत है ना, वो बीजेपी को वोट दुआ हुआ है, अब कोई मुंह पे कह दे हुआ है, कोई नहीं कहता, फैक्ट जो है बीजेपी को वोट मिलना कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ता है? पूरा फर्क पड़ा है, हिंदुओं का तो पूरा फर्क पड़ा है, चाहे मुंह पे कहे हो या कोई ना कहे हो, जी मैं सब हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देना यूपी में, इसलिए विकास सबसे नीचे जा रहा है, शहर वालों का तो हमें पता नहीं, हमारे गांव वालों सब नहीं देना, ये भाई मुसलमान का है इसे नू वोट नहीं देनी, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट गिरा कोई नहीं गिरती भाई, हम तो बीजेपी को बिल्कुल वोट देवे नहीं, बिल्कुल खुली नहीं, किसी को भी देना चाहे जोड़ में गिरते, पर बीजेपी को नहीं दे, कौन सा विकास हुआ इस क्षेत्र में हमें बता दो, ये विकास इस क्षेत्र में हुआ, ये बात बिजली का बिल, बिजली का बिल हरियाणा में 35 रुपए है पर हाउस पावर, यहाँ 200 के पार है, यूपी का किसान पे क्या कौन सा कहीं अलग सा आमदनी आ रही है, बीजेपी को साइड कर दिया तो आपके हिसाब से अच्छी पार्टी कौन सी है, हाँ कौन सकती है भाई, हमारे यहाँ तो जयंत चौधरी का ही सबसे ज्यादा हिसाब किताब है, लोक दल को ही देंगे हम, तो लोक दल को ही देंगे, उससे ही विकास की उम्मीद है सारी, देख ली हाँ, सपा भी देख ली और बसपा भी देख ली और बीजेपी भी देख ली, अब इससे थोड़ी सी उम्मीद है, खरा उतरेगा यो सही है, नहीं तो यो भी गलत, भाजपा जाएगी, भाजपा आएगी, हाँ जी, क्यों आपका एक भाई कैसे दावा कर रहे हैं कोई काम नहीं किया, मैं देखो इसमें हमने सरकार ने देखा कि तो रोड का देखा मैंने काम, और कुछ बहु बेटियों की सही वे देखी व्यवस्था कि अब वे निधर घूम सकती है जहाँ भी उन्हें को जाना है, ये मैंने कहा विकास ही नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में, देखो यहाँ पे हमारे इधर तो कोई विकास हुआ नहीं है, लेकिन जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे मेयर सिटी से, वहाँ पे विकास ही विकास है, अपने मुद्दा देख करके वोट देंगे, अपने मैं तो अपनी बेटी बहन बेटियों के ऊपर वोट दूंगा,
बहन बेटियां सुरक्षित है, सुरक्षित विकास हो रहा हो, बाहर में जाए, बाहर में जाए। ठीक है, चलिए। अपना योगी ने भी काम करा, बतरा काम करवाया उसने, गांव गांव में पानी बिजली का बिल सब सस्ता, लोगों का दावा की रोड ही नहीं बन रहा है क्षेत्र में। अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ पानी आ रहा है, इस गाँव में पानी आ रहा है। हम तो मेरठ के, मेरठ में पानी आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा। हाँ, मेरठ में तो खूब आ रहा भी है पानी, मेरठ देखा जाए एक शहर हो गया, गांव में हो रहा है। नहीं, हम यही दे देंगे। गांव में विकास हो रहा है कुछ? गांव में तो बतेरा विकास हो रहा है, दिखा टीवी में बतेरा ये विकास हो रहा खूब। अच्छा, टीवी में देख के आप संतुष्ट? नहीं, हमारा गांव तो हमारा, तुम तो मेरठ में रहे, आप टीवी में विकास देख के संतुष्ट हैं? नहीं, वो तो वही कि वो सही तो दिखावे है, कहीं गलत थोड़ी दिखावे है, सही दिखाते हैं। क्या यूपी में योगी सरकार के आने के बाद बहन बेटियां सुरक्षित हैं? अब भाई थी, पहले से तो बहुत कुछ वो है, पहले से ज्यादा ठीक है, पहले जैसा हो रहा था ठीक नहीं, पहले से ठीक है। काज इतना हुआ है कि ये टोंटी करीब 2 साल पहले लगी थी, अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया। बिजली का बिल जो उसका टंकी का 35,000 रुपये महीना आवे है और 35 बूंद पानी नहीं आया। सब कागजों में चल रही, जो जितना भी चल रहा है विकास वो सब कागजों में हो रहा, किसान को लूट के खा गए। एक तरफा कहे कि आज दुगनी करेंगे, हाँ कौन 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 कह रहा, कैसे दुगनी हो गई? प्रेस्टिसाइड पर सही 5 साल में दुगने रेट हो गए, जो प्रेस्टिसाइड है सही दुगने रेट हो गए। डाई का कट्टा 600 रुपये से 1200 रुपये का हो गया, कैसे विकास दुगना होगा? गन्ने के रेट पर 5 साल में इस बार 10 रुपये बढ़े हैं, कैसे विकास होगा, कैसे दुगनी आई होगी वो हमें फार्मूला बताए। आपके सामने मैं बोल रही थी कि टीवी में विकास दिखाया जा रहा है, तो टीवी में विकास तो हमारे गांव में ज्यादा भी नहीं था, 50 के घर में विकास है जिनका नाम विकास है। अरे विकास के नाम पे बच्चे का नाम विकास रख लोगे, वह विकास हो जाएगा। सरकार आने के बाद बिजली भी आती है 24 घंटे, बिजली 12 घंटे से 14 घंटे कर दी, 14 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती। बिजली बढ़ी 10% या 20%, बिल बढ़ा दिया 50-60%। जो बिल गांव वाला खुश था, 200 रुपये का एक लिमिटेड चार्ज था, 200 रुपये महीना देना, वो आज 1800-2000 रुपये में भी पीछा नहीं छूटता। और वो आइटम ही चलाता जो जरूरी चीज़ें हैं, पशु जो 4 पशु रखता था वो 1 पशु रखे, कहीं कुट्टी काटने में बिल ज़्यादा ना आ जावे। हर चीज़ महंगा इतनी बढ़ रही है, कमर तोड़ रखी है, जो मध्यम दर्जे का आदमी है वो अपने मतलब कोई तो कहे कि क्राइम को मतलब बढ़ावा नहीं मिल रहा, क्राइम को ही बढ़ावा मिला, जब बच्चे भूखे मरेंगे तो आदमी क्राइम करने पे उतारू हो जाएगा। साहब तो महिलाएं सुरक्षित है ना, और क्या? अजी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, जैसा पहले थी ऐसे अब हैं, बताओ। 100 नंबर तो चलाया अखिलेश ने, चलाई थी सपा सरकार ने, बीजेपी ने उसका क्या वो करा वो बताओ तुम्हें, उसने बढ़ा के क्या कर दिया, हर घर के सामने पुलिस वाला बैठा दिया, ये बताओ तुम कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ महिला सुरक्षित है? वे महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ थोड़ी हो रहे हैं, या पुरुषों के साथ बलात्कार हो रहे हैं मेरे यार, हम लोग कहीं मिला महिला सुरक्षित नहीं, कहीं नहीं सुरक्षित बिना कारण। भैया पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया, हमारा गांव जो है ना बिल्कुल बीच में पड़ा है, इधर से भी तो हमारे गांव में निकल के जाओ ना 36 गांव की, वो पीट नहीं सकता उसे। अब ठाकुर के लंडे, ठाकुर की सरकार है ना, ठाकुर के लंडे हमारे गाँव में आकर पीट जाए लंडों को, हमारे गाँव के लंडों को पीट जाए, और पुलिस कुछ नहीं करती। उसी गाँव के ना लंडे ना ठाकुर का लंडा था पड़ मारा, पुलिस वाले का भड़ा नहीं सी मुँह पर पुलिस वाले का, और कुछ नहीं बिगड़ा उसका, आगे छुटका अपने घरों, कोई केस नहीं उस पर, जाकर पूछ लो जरा, पढ़ो तो गाँव खड़ो नहीं है, एक ही गाँव ठाकुर, थोड़े से ठाकुर है उसमें, देखा जाए तो ठाकुरों का राज चल रहा है, पूरा ठाकुरबाद चल रहा है, पूरा ठाकुरबाद। तो अखिलेश आएंगे तो फिर यादव का राज चलेगा। अब क्या कर रहे हैं बता, क्या कर रहे हैं इसमें, और यादव का राज चलेगा कहाँ? उन्हें कितने IPS हैं यादव? यादव ठाकुर ही हैं। आज यूपी में जो IPS ऑफिसर हैं 24, उसमें 20 ठाकुर हैं। यादव कहाँ से आएंगे जब यादव भर्ती ना होते IPS में, इतने कहाँ से यादववाद हो जाएगा बिना मतलब की बकवास बात। दूसरी बात, अगर चलो हमने मान लिया यादववाद है, मारेंगे यादव है ही नहीं, यादव तो है पर पूरब में ही। काम बढ़िया है लेकिन महंगाई के नाम पे धब्बा है। किसका काम बढ़िया है? मोदी का। महंगाई के नाम पे धब्बा, महंगाई से पिटेगी गवर्नमेंट से पिटेगी, बाकी और कोई नहीं पिटने का। यूपी में मेरठ में होना रहा, कुछ मेट्रो का काम चल रहा बस, तो बीजेपी नहीं तो फिर कौन है? बीजेपी नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन ये मूंगफली बेचने लायक नहीं रहेंगे, तो कोई तो होगा ये, जैसे अखिलेश है आपका या मायावती है, मूंगफली भी बेचने लायक नहीं रहेंगे, ये क्या खरबूजे बेचेंगे और क्या बेचेंगे? योगी की सरकार आएगी, ऐसे कैसे दावा कर, बस हम दावा कर रहे हैं, इनके काम है ऐसे, कुछ तो काम गिनवाइए, जितने भी काम है ठोस है बस। बीजेपी ने चलाई है, मुसलमानों ने उस योजना का लाभ ना लिया हो, आप जो बोल रहे हैं कि योगी जी आएंगे, बीजेपी नहीं आएगी, अलग है क्या दोनों? नहीं, एक है,
मैं क्या कह रहा हूँ, योगी आ गया 100% गवर्नमेंट इन्हीं की बनेगी, चाहे हथकंडे से बने चाहे प्यार से बने, गवर्नमेंट इन्हीं की बनेगी। दबंगई से बीजेपी सरकार आएगी, बस ऐसे ऐसे बने, गवर्नमेंट तो इन्हीं की बननी है। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, सरकार आएगी बीजेपी की। कैसे आप दावा कर रहे हो? दावा इसलिए कर रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे काम करे, बहू बेटी अपने घर में ठीक है, बाहर जाने में कुछ दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत है वो सरकार को अलग को है, जैसे थारी हो, RLD होगी, अखिलेश की होगी और बसपा होगी। अगर इन्हें दिक्कत है, सरकार में युवा धरने पे बैठे हुए, नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें बैठे रहने दो, बेरोजगार हो गए, बैठे रहने दो, हमें अपने खाने को मिल रहा, अपनी नौकरी मिल रही, उससे अच्छा और कुछ नहीं, घर में स्वस्थ बैठे हैं। नहीं मिल रही है तो कैसे खाएंगे वो? नहीं खाऊंगे तो हमें बस की है, हमें बीजेपी लानी है सरकार, बीजेपी आनी 2022 में। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में कुछ नहीं करना, अपना घर में बैठो, खेती करनी है। हाँ जी, किसान जो लड़ाई लड़ रहे थे आपको समझ में आया क्या? किसान लड़ दो, उनके ज्यादा फार्म है, बेमतलब मुकदमे जलवा का कुछ फायदा नहीं। सरकार जो ही आनी है, चाहे वैसा हो या लठबरंगों से आओ, सरकार बीजेपी की आनी है। मतलब दबंगाई से आएगी इस बार? हाँ, दबंगा होगी। हाँ, सरकार कोई सी भी आओ, ठीक है नहीं, ये कहते हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही, मोदी की उसकी नहीं हो रही, फलाने नहीं हो रहा, और मेरी भी नहीं हो रही, और जो अंदर भाषण दे रहा उसकी भी नहीं हो रही। सीधी बात है, तो हम एक बात कहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट बनो, कैसी बनो, शादी करवा दो, शादी करवा दो यार। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ, तो बीजेपी शादी करवाएगी क्या आपकी? कौन शादी करवाएगी? बीजेपी वाले खुद नहीं हो रही यार, मेरी कहाँ से कराएंगे वे? तो अखिलेश करवाएंगे, अखिलेश पखिलेश के साथ नहीं हूँ मैं। अखिलेश की शादी होगी, वो शादी करवा देंगे, अखिलेश का शादी हो चुका, वो शादी करवा देंगे। यार नू तो करवाने को मैं कहीं भी कर लूंगा जाके, नू क्या दिक्कत है? हाँ, किस पार्टी का आप समर्थन करते? समर्थन करेंगे हम मोदी का। क्यों, मोदी का अच्छा काम नहीं? उनकी भी शादी नहीं, आपकी भी नहीं। हाँ बस, तो योगी भी नहीं है, योगी की भी नहीं है। नहीं तो हम बिस्तर बन जाएंगे दोनों, क्या दिक्कत है, बोलो आगे। क्यों भाई, गलत बात है, बताओ आप। भाई सरकार किसी की भी बनो, पर काम अच्छा होना चाहिए। आपको किसका काम अच्छा लगता है, किस सरकार का आपको काम अच्छा? मुझे तो इसके लगता है, किसका? योगी का। कौन सा, रात वाला है दिन वाला? दोनों ही, दिन का भी और रात में भी। इस काम में तो इतना मजा है बहन चुप, कोई बुझे ही मत ना, ठीक है नहीं।